श्री हरि, राधे राधे। मित्रों मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 20 फरवरी 2024 सुबह 9:55 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसलिए उपवास जो होगा यानी व्रत जो होगा वो 20 फरवरी दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी बहुत पुण्यदायी मानी जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच इन सब योनियों से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जय एकादशी का व्रत करता है वो ब्रह्महत्या जैसे पाप से भी मुक्ति पा जाता है तथा भगवान विष्णु श्री हरि लक्ष्मी माता की विशेष अनुकंपा उसको प्राप्त होती है। अब हम कथा व्रत कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ विशेष उपाय इस एकादशी के। आप सुनते हैं व्रत कथा। माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महात्म्य। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्महत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता, इसीलिए राजन प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। दरअसल ये स्वर्ग का वृक्ष है पारिजात, नंदन वन में ही ये पाया जाता है और उसको पृथ्वी पे भी आप देख सकते हैं, जो हर श्रृंगार का पौधा होता है उसको पारिजात कहते हैं। तो अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाती, कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए।
इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई, जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है आई। उस दिन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई, उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया, उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नरपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अग्निस्टोम यज्ञ का फल मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दीन और अधमों के तुम ही सहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मित्रों, अब आपको विशेष उपाय बताते हैं। 20 तारीख को एकादशी है, उस दिन श्री हरि को यानी भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, मिठाई, फल आदि अर्पित करें। उसमें पीले रंग के जितनी वस्तुएं हों उतना उत्तम है। और फिर गाय को चारा अवश्य खिलाएं। पीपल में आप सब जानते हैं कि श्री हरि का वास माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन पीपल की पूजा अवश्य करें। भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा करें। तामसी भोजन बिल्कुल ना करें। कई लोग जो है एकादशी के दिन बड़ा अशुद्ध खान पान कर लेते हैं, तो अगर आप व्रत ना भी कर पाएँ तो कम से कम तामसी भोजन, अशुद्ध भोजन ना करें और चावल भी ना खाएं। इस तरह से विधि विधान से अगर आप भगवान का स्मरण भी करेंगे, पाठ पूजा करेंगे और व्रत करेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। और मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि देखिए, अपने कल्याण के लिए इतना तो सब लोग कर ही सकते हैं कि 15 दिन में एक व्रत कर लें। अगर आप धर्म को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मानते हैं तो कोई नुकसान तो होगा नहीं, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, भगवान की कृपा थोड़ी बहुत मिलेगी ही, धीमे धीमे बढ़ेगी, तो हानि तो कुछ है नहीं और आपका राशन भी बचेगा एक दिन का। तो इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान में प्रेम करते हुए, श्रद्धा रखते हुए और इसका व्रत का जरूर पालन करें। रात्रि में जागरण कर सके तो जागरण करें, नहीं तो थोड़ा बहुत कीर्तन संकीर्तन जरूर करें। और इसी तरह के भक्ति के वीडियो, व्रत कथाएं, भजन सुनने के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।